अक्सर मेरे पर लड़के आते कि मेरा वीर पतला हो गया है, जिसके वजह से शीघ्र पतन हो रहा है, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, बच्चा नहीं हो पा रहा उसको, मेरा वाइफ के अंदर जब हम सेक्स करते हैं उसके बाद योनि से वीर बाहर आ जाता है। तो आप सब जान लीजिए कि वीर सीमेन जो होता है वीर के अंदर, अगर स्पर्म काउंट यानी कीटाणु संख्या अगर 20 मिलियन से ज़्यादा है और उसके मोटाइल स्पर्म की संख्या 50% ज़्यादा है, मोर देन 30% मॉर्फोलॉजी नॉर्मल है, यानी कि अगर वीर के अंदर स्पर्म काउंट नॉर्मल है तो वीर पतला है, गाढ़ा को नुकसान नहीं होता है। नंबर टू, शीघ्र पतन का वीर पतला से कोई संबंध नहीं है, वीर पतला कोई कमजोरी की निशानी नहीं है। अधिकांश लोग के अंदर 22 साल उम्र के बाद वीर की कंसिस्टेंसी पहले की तुलना में पतला हो जाता है। अगर स्पर्म काउंट यानी कीटाणु संख्या नॉर्मल है तो आपको कोई इलाज की जरूरत नहीं है। और सच्चाई पूछे तो स्पर्म काउंट बढ़ाने की दवा आती है, वीर गाढ़ा करने की दवा नहीं आती है। और वीर पतला कोई सेक्स कमजोरी की निशानी नहीं है, ये उम्र के अनुसार से नेचुरल परिवर्तन है। जो लोग रेगुलर सेक्स करते हैं, रेगुलर हैंड प्रैक्टिस करते हैं, उनका वीर थोड़ा पतला रहता है, और काफ़ी दिन हैंड प्रैक्टिस या सेक्स न करो तो आपका वीर थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। पर गाढ़ा वीर से और पतला वीर से आपको कोई चिंता की बात नहीं है। इसलिए अगर आपको सेक्स ठीक हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है, तो पतला वीर से मत डरें, कोई टेंशन बात नहीं है। लोग नीम हकीम लोग इस वीर पतला नाम पर बहुत डराते हैं कि बहुत हैंड प्रैक्टिस से वीर पतला हो जाता है, इसके वजह से सीख पतन होता है, जिसकी वजह से आप बच्चा के बाप नहीं बन पाओगे, ये सब गलत धारणा है। और बहुत वहम है, अपना वीर चेक करा लीजिए, अगर स्पर्म काउंट नॉर्मल है तो कोई टेंशन बात नहीं है, निश्चिंत रहिए।